Subscribe and click the bell icon for all the television updates. जीजा ने तो डेफिनेटली एक पाबंदी लगाई है कि मैं नंदिनी से नहीं मिलूं जाकर, और मैं मौलिक के साथ रिश्ते को सुधारने की कोशिश करूं। लेकिन कुणाल ने डिसाइड कर लिया है दैट ही लव्स नंदिनी, ही यूज्ड टू लव मौलिक बट एट दिस टाइम ही लव्स नंदिनी, और उसको उसके साथ ही अपना जीवन आगे बढ़ाना। वैसे कुणाल का टीनेज लव नजर आ रहा है, बिकॉज यूजुअली यंगस्टर्स जो होते हैं, बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कुणाल इज अ फ्लॉड कैरेक्टर, ही इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन, सो उसमें खामियां हैं, और ये खामी है, और उसका जो प्यार है वो शिफ्ट हो चुका है नंदिनी की तरफ, और वो भी सिंसियरली नंदिनी को प्यार करता है। ऐसा नहीं कि वो प्ले बॉय है या फिर वो 10 लड़कियों के साथ अय्याशियां कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज वॉन्टिंग टू बी लॉयल टू नंदिनी, और नंदिनी के साथ ही रहना। वही प्योरिटी तो नजर आ रही है आपके प्यार में, तभी तो मैं वही बोल रही हूँ कि टीनेज वाला जो बच्चों वाला प्यार होता है ना, एकदम प्योर वाला। हर रिलेशनशिप में, हर एक नए रिलेशन में एक स्पार्क होता है, एक यू नो अनसेट केमिस्ट्री होती है, वो नंदिनी और कुणाल के बीच में है फिलहाल, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप राइट नाउ, सो ऑब्वियसली दैट विल बी देयर। और जो शुरुआत में बहुत आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, सो ही इज़ बीन वॉन्टिंग टू डू दैट विथ हर, बट अनफॉर्चुनेटली दीदा की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और प्लस जब भी वो मौली को देखता है वो गिल्टी भी फील करता है, बिकॉज ही इज़ वेरी सॉरी अबाउट व्हाटएवर ही इज़ डन, बिकॉज उसको पता है वो उस टाइप का है नहीं, लेकिन वो ऐसा बन चुका है तो उसे वो चीज़ पसंद भी नहीं आ रही। एट द सेम टाइम जो उसने एक सपनों का महल बनाया है उसे, उसको बरकरार भी रखना है, उस पहाड़ को उसको फलना है, फुलाना है, सब कुछ करना है। सो उसी का नतीजा आज हमें देखने को मिला है कि सोने में बात करते करते सो गए, खो गए ख्वाबों में, सपनों के महलों में। दिस हैपेंड बिकॉज़ ऑफ द गिल्ट फैक्टर, बिकॉज़ दीदा बोलती मत जाओ, फिर मैं चोर चुपे निकलने वाला होता हूँ, दीदा ज़बरदस्ती मौली के साथ मुझे भेजती है, मौली तुम नहीं जाओ, मौली साथ में आ रही होती है मेरे, और मैं मौली के सामने नंदिनी से मिलने जाने वाला होता हूँ, विच मौली डजंट लाइक, एट द सेम टाइम आई आल्सो फील गिल्टी कि मैं उसके सामने उससे मिलने के लिए, सो आई डिसाइड कि नहीं आज मुझे नहीं मिलने जाना चाहिए, आई शुड कम बैक होम। सो आई कम बैक होम एंड स्टार्ट टॉकिंग टू माय फोन एंड कीप टॉकिंग द होल नाइट टॉकिंग, एंड एट सम पॉइंट वी फील स्लीपिंग, सो हम दोनों सो जाते हैं और हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाता है। अक्सर आप रिलेशनशिप में तो पता होगा ऐसा, कई बार आप लोगों के साथ होगा या नहीं है तो होगा, तो ऐसा हो जाता है। और वो टाइम पे अनफॉर्चुनेटली सुबह मॉर्निंग देख ली थी तो शाणा अभी तक लंदे नहीं सब बात हुआ, उसका दिमाग ख़राब होता है। सो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे नंदिनी को और मौली को लगता है कि चलो मैं एक स्टेप बढ़ाती हूँ गुनाह की तरफ, उसे माफ़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जहाँ पे उसे ये दिखता है कि मैं बस नंदिनी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, और उससे गुस्सा बढ़ता रहता है, शी अगेन टेक्स अ स्टेप बैक। थैंक यू।